ये रेडियो बीएससी या बीएससी बीएड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड ईयर फिजिक्स के अंदर अपना पेपर सेकंड चल रहा है, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी की यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट का ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में अपना जो पिछला टॉपिक था, टॉपिक नंबर एक का जो आधा पोर्शन था उसको पढ़ेंगे अपन। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में अपन टॉपिक नंबर 1 का जो आधा रह गया था उसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अपना टॉपिक नंबर 1 था नाभिक का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ठीक है। तो नाभिक का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये अपन पढ़ रहे थे। इसमें दो बातों से अपन ने ये सिद्ध कर दिया था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। लेकिन आपको तीसरे नंबर पे ये भी सिद्ध करना पड़ जाए, यदि कि सिद्ध करो कि नाभिक में, सिद्ध करो कि नाभिक में, ये आपसे इस तरीके से करवाए कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से सिद्ध करिए कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से सिद्ध करो कि, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से सिद्ध करो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से सिद्ध करो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से सिद्ध करो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको अपन सिद्ध करने के लिए इसको अपन प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए अपन उल्टा मान लेते हैं, विरोधाभास। विरोधाभास के लिए माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रह सकता है। विरोधाभास के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रह सकता है। ये क्वेश्चन आपके क्वांटम जो फर्स्ट पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट में भी आपको सिद्ध करना है। सेम ये का ये क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, ठीक है। तो विरोधाभास के लिए अपन ने मान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के अंदर रहता है, ये मान लिया अपन ने, ठीक है, विरोधाभास के लिए, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के अंदर रहता है तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, नाभिक के व्यास की कोटि की होगी, ठीक है, रह सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता नाभिक के व्यास की कोटि, नाभिक के व्यास की कोटि की होगी, नाभिक के व्यास की कोटि की होगी। अर्थात डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5×10^-15 m, ठीक है। इस तरीके से उसकी अनिश्चितता जो है, भाई इस नाभिक के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक में इधर उधर कहीं भी हो सकता है, तो अनिश्चितता जो है इस ऑर्डर की होनी चाहिए। अब आप देखिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है, डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो अपन न्यूमेरिकल्स के लिए इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है, एच क्रॉस बाई टू, ठीक है। तो यहां से आपके पास डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स को इधर की तरफ ले जाते हैं, तो डेल्टा पी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा पी एक्स एच क्रॉस अपॉन 2 × डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए एच क्रॉस की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, एच क्रॉस 1.054 × 10^-34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, अपॉन 2 × 5 × 10^-5
15। इसको अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने पर ये आपके पास आएगा 1.054 इंटू 10^-20। 1.054 इंटू 10^-20। ये संवेग है, संवेग का जो मात्रक होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग P इक्वल टू एम भी होता है, एम का मात्रक क्या, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यहां से देख लो ना, 5 × 10 तो ये हो जाएंगे आपके पास कितनी पावर, -14 पावर हो जाएंगी, ऊपर जाएंगे तो +14 हो जाएंगी। ठीक है, तो -34 और +14 तो कितनी बचेंगे आपके पास, -20 बचेंगे। ठीक है, तो डेल्टा पी एक्स निकाल लिया। अब ये डेल्टा पी एक्स जो है ये इसके संवेग में, इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता है, यानी कि इतनी सी इसमें संवेग, इतना जो इस जैसे संवेग का मान यहां से यहां तक परिवर्तित होता रहता है, अनिश्चितता तो परिवर्तित होता रहता है, उतना संवेग तो कम से कम इलेक्ट्रॉन का है ही है, तो इलेक्ट्रॉन का ये मिनिमम संवेग कम से कम उसकी अनिश्चितता के बराबर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो पी मैक्स मिनिमम की जो वैल्यू है, पी मिनिमम जो है क्या होगा, डेल्टा पी एक्स के बराबर होगा। तो पी मिनिमम आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से पी मिनिमम आ जाएगा अपने पास, देखिए थोड़ा दिखने में, एक मिनट देख लीजिए आप, उधर साइड साइड वाला भी देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब ऊपर लिख देंगे, लेकिन पी मिनिमम नहीं दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, इधर लिख देता हूं मैं, ये आ गया आपके पास। तो डेल्टा पी मिनिमम इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1.054 × 10^-20, ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। अब आप अपन ने एक ऊर्जा संवेग संबंध पढ़ा था, ऊर्जा संवेग संबंध, ऊर्जा संवेग, ऊर्जा संवेग, ऊर्जा संवेग संबंध से, ऊर्जा संवेग संबंध से, ऊर्जा संवेग संबंध क्या है आपके पास, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये है आपके। ठीक है, तो यहां पे अपन को पी की जो वैल्यू है वो मिनिमम है, तो पी की जगह जब पी मिनिमम रखोगे तो ई की जगह क्या जाएगा, ई मिनिमम हो जाएगा, तो पी मिनिमम स्क्वायर सी, क्योंकि और तो चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब एम नॉट सी, एम नॉट स्क्वायर सी फोर जो है वो एनर्जी जो बनेगी इसकी वैल्यू आती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट एम नॉट सी को एम नॉट स्क्वायर सी फोर जो है इसकी वैल्यू आप तो याद रख लो इज वेरी वेरी लेस देन पी मिनिमम स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है इससे बहुत कम है, तो इसमें ये जोड़ो या ना जोड़ो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसमें अपन नहीं जोड़ेंगे, तो ई मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ई मिनिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी मिनिमम इंटू सी, यहां से ई मिनिमम क्या आ जाएगा, पी मिनिमम इंटू सी आ जाएगा। ठीक है, एक काम करिए पहले अभी यहां तक लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए यहां तक, तीन दिन से आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी, दो दिन हो गए लगभग शायद, तो वो इसीलिए नहीं आ रही थी, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है इसलिए दो दिन से आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी।
ठीक है। लिखते रहिए, अगर छूट रहा है तो लिखते रहिए। यहां से देखिए, यहां से देखिए, ई मिनिमम आता है, ई मिनिमम स्क्वायर, ई मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू, लगभग इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई मिनिमम स्क्वायर और सी स्क्वायर। देन ई मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास, पी मिनिमम इंटू सी। अब पी मिनिमम आपके पास कितना है, इतना है। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास जो है वो आता है लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन ई मिनिमम लगभग कितनी आ गई, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी मिनिमम एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी है जब अपन ने इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर माना है विरोधाभास के लिए, ठीक है, तब ये इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी है। एक बार लिख लीजिए यहां तक लिख लीजिए एक बार। अब देखो इससे कैसे सिद्ध होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता है, तो दो लाइन लिख लीजिए फिर मैं आपको थोड़ा और समझा दूंगा। अतः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में रहने के लिए, अतः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में रहने के लिए नाभिक की वो सॉरी इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को नाभिक में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, परंतु बीटा 6 में यह पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। अब अगली लाइन में लिखो, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते। देखिए इसको और थोड़ा समझा देते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्वांटम में भी है। देखिए इधर देखिए, अपन ने विरोधाभास के लिए मान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है,
ठीक है, उल्टा मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर मान लिया, फिर इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता है वो नाभिक के व्यास की कोटि की मान ली, तो लगभग 5×10^-15 मीटर की हो रही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर है तो नाभिक के अंदर इधर उधर कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है, तो इसकी जो अनिश्चितता स्थिति में अनिश्चितता है वो नाभिक के व्यास की कोटि की होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, अब अपन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा पी एक्स निकालते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता निकालते हैं, तो वो आ रहा है 1.05×10^-20, ठीक है, इतना ये संवेग में अनिश्चितता आ गई। अब इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता ये है, तो कम से कम संवेग इतना तो है ही है, इससे ज्यादा तो हो सकता है लेकिन कम से कम इतना तो है ही है भाई, ये तो केवल अनिश्चितता अनिश्चितता है, तो अनिश्चितता जैसे यहां से यहां तक तो संवेग है, अब मान लीजिए संवेग का मान कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी कम हो ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इसको बोलते हैं अनिश्चितता, बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चितता, ठीक है, ये है डेल्टा पी एक्स। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम संवेग है वो डेल्टा पी एक्स के बराबर तो होना ही होना चाहिए, वो तो वो कितना हो जाएगा 1.05×10^-20। अब E=P²C²M0²C4, ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, यहाँ पे P की जगह P मिनिमम रखेंगे अपन, P की जगह P मिनिमम रखेंगे तो E की जगह क्या हो जाएगा, E मिनिमम, क्योंकि C कांस्टेंट है, M0 कांस्टेंट है, C और ये C भी कांस्टेंट है, तो यहां से अपन E मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे, तो E मिनिमम अपन ने कैलकुलेट किया तो वो आ गया अपने पास लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी आ गई जब इलेक्ट्रॉन को अपन ने नाभिक के अंदर माना। और वैसे जो बीटा छह प्रयोग वगैरह में देखा गया है तो ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम एनर्जी है 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, अब ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये इसके तुलना में बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ये गलत परिणाम अपन को क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि अपन गलत अवधारणा को लेकर चले हैं, तो अपन जो अवधारणा लेकर चले हैं वो गलत है, अपन जो अवधारणा या जो बात लेकर चले हैं स्टार्टिंग से वो गलत सिद्ध हो गई, इसका मतलब फिर सही क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता है, ठीक है, तो ये यहां से अपन ने सिद्ध कर दिया हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता है। अब कुछ और 2-3 कारण जो है उनसे अपन ये सिद्ध कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकते हैं। अब आप ये देख लो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के विरुद्ध कुछ अन्य तर्क, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के विरुद्ध कुछ अन्य तर्क, देखिए आप इसमें देखिए आप, जैसे अपन ने पहला क्या है, पहले देखो अपन नाइट्रोजन उदाहरण लेते हैं, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार नाइट्रोजन नाभिक या 7N14 में कितने प्रोटॉन होते हैं, 14 प्रोटॉन, 7N14 में 14 प्रोटॉन व 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः टोटल कितने हो गए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिला के कितने हो गए टोटल, अर्थात अब देखिए प्रोटॉन भी फर्मियोन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी फर्मियोन होते हैं, तो ये दोनों ही क्या हैं, फर्मियोन है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन भी फर्मियोन होते हैं, ये आपने सेकेंड ईयर में थर्मो में पढ़ा होगा, क्योंकि इसकी चक्रण क्वांटम संख्या अर्ध विषम पूर्णांक की होती है 1/2 और इलेक्ट्रॉन की अर्ध विषम पूर्णांक की होती है 1/2, ये तो अपन ने उसमें भी पढ़ा है वहां पे न्यूक्लियर में भी, न्यूक्लियर के फोर्थ यूनिट में भी, ठीक है, अब न्यूक्लियर फोर्थ यूनिट पढ़ लिया आपने तो उसमें भी अपन ने देखा था, क्योंकि प्रोटॉन वे इलेक्ट्रॉन दोनों ही फर्मियोन होते हैं
अतः प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार, अतः प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के अनुसार नाभिक में कुल 21 फर्मियोन होने चाहिए। नाभिक में कुछ 21 फर्मियोन होने नाभिक में कुल 21 फर्मियोन होने चाहिए। ठीक है, अब ये 21 जो है विषम संख्या है, अतः इन सभी फर्मियोनों का संगठित समूह, इन सभी फर्मियोनों का संगठित समूह, इन सभी फर्मियोनों का संगठित समूह फर्मी ड्राक सांख्यिकी का पालन करता है। फर्मी ड्राक सांख्यिकी का पालन करता है, फर्मी ड्राक सांख्यिकी का पालन, फर्मी ड्राक सांख्यिकी का पालन करता है। ठीक है, करना चाहिए, नहीं करता है, नहीं पालन करना चाहिए क्योंकि ये फर्मियोन है। ठीक है, और विषम संख्या में, ठीक है, तो ये फर्मी ड्राक सांख्यिकी का पालन करना चाहिए। परंतु नाइट्रोजन नाभिक 7 और 14, यानी कि नाइट्रोजन नाभिक किस कौन से सांख्यिकी का पालन करता है? बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है। परंतु 7 और 14 बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है, सांख्यिकी का बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है। ठीक है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते हैं। ये एक तरीके से सांख्यिकी से चीज सिद्ध हो गई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सांख्यिकी के आधार पर सिद्ध करो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है? ठीक है, अब अपना है दूसरा, में क्या लिखोगे आप? नंबर दो देखिए आप, कॉम्पटन तरंग धैर्य के आधार पर सिद्ध करो कि कॉम्पटन तरंग धैर्य के आधार पर सिद्ध करो कि कॉम्पटन तरंग धैर्य के आधार पर सिद्ध करो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में, कॉम्पटन तरंग धैर्य के आधार पर सिद्ध करो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है।
देखिए इसमें इसको अपन कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए इसमें कि कोई भी कण अपने कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य से कम क्षेत्र में परिबद्ध नहीं हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे इसको, अपन सिद्ध कैसे करेंगे इसको, प्रूफ। कोई भी कण अपनी कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, कोई भी कण अपनी कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य से कोई भी कण अपनी कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य से कम क्षेत्र में परिबद्ध नहीं रह सकता है। कोई भी कण अपनी कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य से कम क्षेत्र में परिबद्ध नहीं रह सकता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, जो कि इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य निम्न होती है। क्या होती है कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला जो है उसमें आता है क्वांटम में, ठीक है। क्वांटम में क्या, न्यूक्लियर में आता है ये तो, ठीक है। न्यूक्लियर में ही मैंने आपको बताया था क्वांटम तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला, या उसमें भी बताया था मैंने आपको, किसमें, सॉरी क्वांटम में ही बताया था मैंने आपको क्वांटम तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला, वहां क्वांटम विस्थापन का सूत्र बढ़ाया था। तो वहां पर क्वांटम तरंग दैर्ध्य आ रहा था एच अपॉन एम नॉट सी, ठीक है। तो क्वांटम तरंग दैर्ध्य लैम्डा सी इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम नॉट सी, ठीक है। एच अपॉन एम नॉट सी क्वांटम तरंग दैर्ध्य, ठीक है। क्वांटम तरंग दैर्ध्य, क्योंकि क्वांटम तरंग दैर्ध्य लैम्डा सी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी होती है, ठीक है। अतः अब देखिए यहां पे एच कांस्टेंट है, एम नॉट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का वो आ जाएगा, यहाँ एच इक्वल टू 6.602 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड। एम नॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³⁶ किलोग्राम। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 मीटर प्रति सेकेंड। देन लैम्डा सी क्या हो जाएगा आपके पास, 6.602 × 10⁻³⁴ अपॉन 9.1 × 10⁻³⁶ × 3 × 10⁻⁸। तो ये अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आता है लगभग 2.4 × 10⁻½ m, 12 m, 2.44 × 10⁻½ m, ठीक है। और इसको अपन उस तरीके से बनाए और भी इसको अपन लिखें आगे, तो लैम्डा सी का मान कितना आ जाएगा, नीचे नहीं दिख रहा है क्या आपको, देखिए नहीं कोई बात नहीं, यहां देख लीजिए। इसके बाद लैम्डा सी का मान आ जाएगा 244 × 10⁻¹⁵ m, या लैम्डा सी इक्वल टू 244 वर्ग मीटर। ये इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य कितनी आ गई, 244 वर्ग मीटर। अब नाभिक का व्यास जो है, नाभिक का व्यास अभी अपन ने देखा था कितना रहता, लगभग 5 × 10⁻¹⁵ m की कोटि का रहा था। अब -15 तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये यहां तो 244 है, वहां पर 5, तो बहुत कम है, बहुत कम है नाभिक का व्यास, ठीक है। तो नाभिक का व्यास जो है इस कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है। तो एक बार आप यहां तक लिखो, यहां तक लिखोगे, इसके बाद मैं लिखवा दूंगा, यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि नाभिक का व्यास लगभग 5 × 10⁻¹⁵ या 5 फर्मी मीटर की कोटि का होता है,
की कोटि का होता है, पांच परिमीटर की कोटि का होता है, जिसका मान लैम्डा सी से बहुत कम है, बहुत कम है, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता है, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता है। एक और अपन व्याख्या कर सकते हैं इसमें, तीसरे नंबर पे पावली के अनुसार, बीटा माइनस छह में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, एंटी न्यूट्रिनो, भी उत्सर्जित होता है, एंटी न्यूट्रिनो भी, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होता है, ठीक है, परंतु नाभिक का, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, एंटी न्यूट्रॉन, के उत्सर्जन की व्याख्या नहीं करता है, लिखिए
देखिए,